हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल इंडियन रेसिपीज विद सीमा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपके साथ मैं कच्चे केले की स्पेशल डिश शेयर करने वाली हूं, तो फ्रेंड्स आप वीडियो को जरूर देखें। फ्रेंड्स, पके केले की तरह कच्चे केले भी हमारी बॉडी को अनगिनत फायदे पहुंचाते हैं। कच्चे केले में दोस्तों कैल्शियम, विटामिन सी, विटामिन A6, विटामिन ए, पोटेशियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक होता है और ये हमारे शरीर की बहुत सी प्रॉब्लम दूर करते हैं, जैसे हार्ट प्रॉब्लम, कमजोर इम्यूनिटी, कब्ज, कमजोर हड्डी, शुगर, मोटापा को जड़ से खत्म करने में बहुत ही हेल्प करता है। तो फ्रेंड्स, आप अपने हेल्थ के लिए कच्चे केले का आप विशेष यूज करें। फ्रेंड्स, आज इसकी स्पेशल सब्जी बनाना बताऊंगी, तो आप छिलके को इस तरीके से छीलकर अलग कर लें। इसका पूरा ग्रीन कवर निकाल लिया है और इसे सर्किल शेप में मोटा मोटा काट लिया है। थोड़ा इसे मोटा ही कट करें, अंदर से ये थोड़ा सा ब्लैकनेस दिखता है बट ये खराब नहीं रहता है, कच्चा केला ऐसा ही दिखता है। ये बहुत ही स्पेशल सब्जी बनकर तैयार होगी, आपको सच में ये बहुत पसंद आने वाली है, तो फ्रेंड्स आप इसे जरूर देखें। तो चलिए इस डिलीशियस सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लिया है और जब गर्म हो जाए तब इसमें हम केला ऐड करेंगे। केले को काटने के बाद अच्छे से धुल लिया था और 8 से 10 मिनट के लिए इसको जालीदार छन्नी में रख दिया था ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी निकल जाए। इस केले को अच्छे से स्पून की हेल्प से मिक्स कर देते हैं और इसे ढककर लगभग 2 से 3 मिनट पकाएंगे। इसको पकाने में 8 से 10 मिनट लगते हैं केले को। जब तक कुछ मसाला ले लिया है ग्रेवी तैयार करने के लिए, 1 हरी मिर्च, अदरक, लहसुन 4 लौंग, 5 से 6 काली मिर्च, 1/2 टीस्पून जीरा, 1 मीडियम साइज प्याज, हल्दी और ये 2 टमाटर। टमाटर का अलग पेस्ट तैयार करेंगे और प्याज का अलग मसाला तैयार करते हैं पीसकर। जब तक हम केले को चेक करते हैं, केले को चेक किया, इसको स्पून की हेल्प से चला दिया, इसको हल्का गोल्डन ब्राउन होने तक अच्छे से फ्राई करना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू स्लो पर ही रखें फ्रेंड्स। इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर दें, नमक ऐड करने से अच्छा फ्लेवर आ जाता है केले में। ये प्याज का मसाला पीसकर रेडी कर लिया है और ये टमाटर का पेस्ट तैयार कर लेते हैं। धीरे धीरे ये हमारे केले हल्के गोल्डन ब्राउन हो जाते हैं। अब कढ़ाई में 3 से 4 टेबल स्पून रिफाइंड ऑयल ले लें। ऑयल सफिशेंट इतना लें ताकि आपकी ग्रेवी अच्छे से बनकर तैयार हो जाए। ऑयल जब गर्म हो जाए तब इसमें 1/2 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 2 तेजपत्ता को बीच से ब्रेक करके ऐड कर देते हैं और इसमें प्याज का मसाला जो पीसा है उसे ऐड कर दें। इसे स्पून की हेल्प से अच्छे से मिक्स कर लें। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस सब्जी बनकर तैयार होगी, आपको रियली जरूर पसंद आएगी। फ्रेंड्स, जो भी मैं किचन प्रोडक्ट यूज़ करती हूँ उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके साथ शेयर किया है, एक बार ज़रूर देखें। ये मसाला 2 से 3 मिनट में भूनकर रेडी हो गया है। अब इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार लाल मिर्च पाउडर, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर ऐड करते हुए इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दें। थोड़ा पानी ऐड करने से ये हमारा मसाला जलता नहीं है और अच्छे से पक जाता है। अब इसमें टमाटर का पेस्ट ऐड कर देते हैं। टमाटर को भी 2 से 3 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पक जाने दें। उसके बाद इसमें ये केले ऐड कर देते हैं जो केले को फ्राई करके रखा हुआ है पहले से। इसे मिक्स कर लें, 2 से 3 मिनट पक जाने दें और इसमें हम स्वादानुसार नमक ऐड कर देते हैं। नमक फ्रेंड्स आप कम ही डालें क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले ही केले में नमक डाल दिया है। नमक डालने के बाद इसको ढककर 1 से 2 मिनट के लिए ढककर रख देते हैं और फिर इसमें आप ग्रेवी बनाने के लिए पानी ऐड कर दें। पानी थोड़ा गर्म करके ही इसमें ऐड करें ताकि अच्छे से मेंटेन रहे इसका टेम्परेचर। पानी थोड़ा सा ज़्यादा ऐड करें क्योंकि जब हमारी सब्जी बनकर तैयार होती है लास्ट में तो इसमें ये पूरा केला एब्जॉर्ब कर लेते हैं पानी। इसमें 1/2 टीस्पून गरम मसाला ऐड कर दें, इसे मिक्स कर दें और इसे ढककर लगभग 3 से 4 मिनट मीडियम टू स्लो फ्लेम पे पका दें। कुछ देर में आपकी ये सब्जी बनकर रेडी हो जाएगी। कच्चे केले से बहुत सी चीज़ें बनती हैं, जैसे केला चिप्स, केले के पकौड़े भी बनते हैं। अब इसमें आप
हरी धनिया काट कर डाल दें। हरी धनिया बिना तो सब्जी देखने में भी अच्छी नहीं लगती, और यदि हरी धनिया डली मिल जाए सब्जी में तो खाने का स्वाद भी दुगना बढ़ जाता है। ये देखिए आपकी डिलीशियस सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें घर पर, और आप अपने एक्सपीरियंस मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें। तो फ्रेंड्स, आप इस तरीके के वीडियोस देखने के लिए यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें फ्रेंड्स, ताकि आप मेरे सारे वीडियोस देख पाएं। इस तरीके के वीडियोस मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। तो फ्रेंड्स, आप मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। ओके फ्रेंड्स, टेक केयर।